मेरा ये मानना है कि दिया तो देश की जनता जलाएगी 9 मिनट के लिए, पर कुछ 9 सवाल आज हमारे मन में जरूर उठेगा। इन 9 सवाल को कांग्रेस पार्टी देश हित में पूछना चाहती है, सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल है जो आज देश भर में लोग पूछ रहे हैं। पहला सवाल हम सरकार से करना चाहते हैं कि आप कब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, एम्बुलेंस चलाने वाले जो ड्राइवर है उनके लिए आप कब पीपीई का सप्लाई करेंगे? जरा सोचिए कि कोरोना वायरस एक ऐसा युद्ध है जो देश की जनता के लिए, देश के डॉक्टर और देश के नर्स और जितने भी कर्मचारी आज अस्पतालों में हैं वो लड़ रहे हैं। पूरे देश के अस्पतालों से जो खबर आ रही है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों के पास आज पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की कमी है। जरा सोचिए अगर हम संख्या को देखें कि 3,34,000 किट्स आज हमारे देश में है, कुछ 7,000 ये इक्विपमेंट्स आज प्रयोग कर रहे हैं डॉक्टर और नर्स, परंतु हमारी जरूरत कितने की है? आज 62 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की जरूरत है इस देश में, ताकि हमारे वो साहसी सिपाही जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं इस कोरोना वायरस जैसे महामारी के साथ वो डट के लड़ सके। हमें दुख होता है जब हम सोशल मीडिया में ये देखते हैं कि डॉक्टर्स रेनकोट पहने हुए हैं, डॉक्टर्स हेलमेट पहने हुए हैं, कुछ 50 डॉक्टर्स आज कोविड वायरस में पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। अगर हमारे डॉक्टर और नर्स जो आज अस्पतालों में है उनको हम सुरक्षित नहीं कर सकते, तो मेरा मानना है इस युद्ध के लिए ये देश तैयार नहीं है। इसलिए हमारा पहला सवाल भारत सरकार से है कि आप ज्यादा से ज्यादा पीपीई नर्स और डॉक्टर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर्स तक पहुंचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे। हमारा दूसरा सवाल जो शायद पहले सवाल से जुड़ा है कि क्यों आपने 5 हफ्ते की देरी की? फरवरी के महीने में हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो इन पीपीईज को बना सकते थे अपने कारखानों में, उन्होंने भारत सरकार के साथ संपर्क किया, परंतु 21 मार्च तक भारत सरकार ने वापस इन मैन्युफैक्चरर्स को कोई जवाब नहीं दिया। ये 27 फरवरी की बात है कि WHO ने कह दिया था कि विश्व भर में पीपीई की कमी होने वाली है, पर 24 मार्च तक भारत की सरकार ने इन पीपीई को तैयार करने के लिए किसी तरह का गाइडलाइन जारी नहीं किया। अगर ये 5 हफ्ते की देरी नहीं होती तो आज जो असुरक्षित रूप से डॉक्टर और नर्सेस चिकित्सा कर रहे हैं आज ये शायद सुरक्षित हो सकते थे। इसलिए हमारा दूसरा सवाल भारत सरकार से कि क्या जवाब है आपके पास कि आपने 5 हफ्ते की देरी की और आप बैठे रहे।